तो यहाँ चुनाव के बाद परिणाम के साथ पहली बार यहाँ आने पर लेनी है और मंत्रिमंडल का भी विस्तार गठन हो रहा है तो इस कार्यक्रम के लिए अभी इनका बीजी शुरू है। इन्होंने अभी विधानसभा का सत्र भी शुरू होना है और जैसा कि करना चाहूंगा अर्की विधानसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध मतदाताओं का जिन्होंने लगातार दूसरी बार मुझ पर विश्वास प्रकट किया है, विश्वास बनाया है। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो उनकी उम्मीदें उनकी जो आशाएं मुझसे हैं उस पर मैं खरा उतरूं और खास तौर पे जो हमने चुनाव प्रचार के दौरान इस चुनाव में 10 गारंटी योजनाएं जो का जो घोषणा पत्र हमने लोगों के सम्मुख रखा था उन 10 गारंटी योजनाओं को धरातल पर उतारना, उसको अमली जामा पहनाना ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और अर्की विधानसभा क्षेत्र की जो पिछले 10-5 वर्ष में जो अनदेखी हुई है और जो कार्य लंबित पड़े हैं उनको पूरा करवाना और आने वाले समय में नई योजनाएं लेकर आना, जो खास तौर पे जो हमारा मूलभूत सुविधाओं का ढांचा, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य सुविधाएँ हों और बस रूट जो बाधित हैं उनको सुचारू रूप से चलाना और शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल्स और कॉलेजेस में जो शिक्षकों के पद जो है वो भरना और बस रूट्स को व्यवस्थित करना, इसके अलावा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी को बढ़ाने का जो हमने प्रयास हम करने जा रहे हैं और नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं उनको जो है अमली में जामा पहनाना ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और ट्रांसपोर्टर्स का आज मुद्दा है, हर घर से ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स के हितों की रक्षा करना ये भी मेरी प्राथमिकता रहेगी।